पहाड़ों पर बर्फबारी एवं अधिक ठंड में बहता पानी वाहन मार्ग में जम जाता है, जिससे वाहन फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। खासकर मैदानी इलाकों से आए चालक एवं पर्यटक बर्फ में धोखा खा जाते हैं, इसलिए वाहन चालकों को कुछ तकनीकी सावधानियां बरतनी होती हैं। वाहन चालकों को बर्फ में वाहनों के टायरों से हवा कम कर देना चाहिए। जितनी अधिक हवा होगी वाहन उतना अधिक फिसलेंगे। इसी तरह वाहन को लाइट गियर में न रखकर जरूरत हिसाब से हैवी गियर में चलाना चाहिए ताकि स्पीड कम रहे। स्टीयरिंग व्हील को अधिक फुर्ती से और ज्यादा तेज ना घुमाएं, इससे भी वाहन के टायर तेजी से मुड़ने के कारण वाहन फिसल सकते हैं। बर्फ में वाहनों की दूरी सामने वाले से काफी अधिक रहे ताकि वाहन स्किट यानी फिसलने की सूरत में अगली गाड़ी से ना टकरा सके। पीताम्बर कायस्थ ने बताया, सड़क में बर्फ के दौरान वाहन चलाते हुए विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाहन पहले दूसरे गियर में चलाएं, टायरों में हवा कम रखें, गाड़ियों की आपस की दूरी बनाए रखें ताकि वाहन आपस में फिसल कर ना टकराएं। इसी तरह स्टीयरिंग को भी तेजी से ना घुमाएं। कायत ग्राम, तो जैसे ये गाड़ियां चल रही है हमारे साथ में रोड में, तो हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि पहले दूसरे गियर में चलानी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। साथ ही जो दूसरी गाड़ी है उनसे उचित दूरी बनाए रखें और टायर में हवा कम होनी चाहिए, स्टीयरिंग इधर उधर ना घुमाएं। और इसके साथ साथ जो बाहर से हिमाचल प्रदेश हमारे इधर पहाड़ों में स्नोफॉल को देखने के लिए हमारे पर्यटक आते हैं, जिससे यहाँ की आमदनी भी बढ़ती है, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आराम से चले, गर्म कपड़े पहन के आएँ और इसके साथ साथ जैसे गाड़ी वगैरह का बड़े सही तरीके से चलाएं। मतलब सचिन ने बताया कि नौजवान बर्फ में तेजी से वाहन चलाते हैं, इसलिए उन्हें सलाह है कि अपने वाहन बर्फ में धीमा चलाएं, टायरों में हवा कम रखें, एक दूसरे से वाहनों की दूरी कम बनाए रखें, स्टीयरिंग को भी आराम से घुमाएं, यह ध्यान रखें बर्फ का आनंद लेते हुए अपनी सुरक्षा भी जरूरी है। तो गाड़ी चलाने वाले जो मेरे नौजवान साथी है उनसे भी मैं ये चाहूंगा कि वो गाड़ी चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो आराम से चलाएं, अपनी गाड़ी का जो टायर के जो हवा वो कुछ कम रखें और गाड़ी से गाड़ी की जो दूरी है उसको जो है और काफ़ी रखें एक दूसरे से, ऐसा ना कि चलाते चलाते आप उसकी तरफ स्किट हो जाए। और दूसरा इंजॉय आप कीजिएगा लेकिन स्टीयरिंग को जो है ज़्यादा मूवमेंट ना दें, इससे भी हमारे जो स्किट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये मैं सलाह, तो ये ध्यान रखना हमको बहुत ज़रूरी है क्योंकि बर्फ़ के आनंद के साथ साथ हमको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है।